मेरा नाम जया संजय खरत है और मैं भीमछाया में 17-18 साल से रहती हूँ और दत्तक बस्ती में काम करती हूँ। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और मेहनत मजदूरी करके हम लोग कैसे भी अपना पेट पालते हैं। अगर सरकार घर तोड़ेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और बच्चों लोग की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। सोलह हो गया अभी तक रहने, अब तक रहता है हम इधर, तो हमको पानी नहीं, ठंडा नहीं, कुछ नहीं, तभी भी हम इधर रहता है। अभी भी ना हमको कैसा भी जीने के देता है, कैसा भी काम करके खाता है, तो बोलता है फल द्वारा आता है तोड़ने को, फिर हम कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। वोटिंग का नजदीक टाइम आ गया कि चलो तुमको घर देगा, तुमको घर देगा, तुमको ये देगा, वो देगा, वो लालच में दिखाता है, फिर मतदान लेके जाता है, फिर तोड़ने को आता है, तो फिर कैसा रहने का है। पानी तो पानी पीने को नहीं, लाइट नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं हमको, तभी फिर अभी कैसा तो रह रहे तो, और वन खाते वाला पीछे लग रहे हैं, फॉरेस्ट वाला नागरिक नहीं क्या, नागरिक है ना, वोट चलता है, सब चलता है, फिर हकलने का, तो फिर इधर कौन रहने का, बड़ा लोग, बड़ा लोग रहने का इधर। पानी उसको दिन भर पानी देता है, इधर एक टाइम पानी आता है, 8 दिन में पानी आता है, 15 दिन में पानी आता है, 3 रुपए क्या लाता है बाहर से। मैं ऐसे सरकार आ रहा क्यों क्यों नहीं हमारा। बच्चों की क्या है बात, लड़ाई पढ़ाई सब सब, हम बच्चों की क्या है।